हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का पाउन फिटनेस में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको चने के फ़ायदे और इसके उपयोग और इसके नुकसान के बारे में बताने वाला हूं तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए मैं आपको चने के ऐसे फ़ायदे बताऊंगा और इसको किस तरह से लेना और इसके क्या क्या नुकसान हो जाते हैं वो सारी चीज़ फ्रेंड्स मैं आ... आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना आपको ये वीडियो देखे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट भीगे चने खाने की सलाह क्यों दी जाती है अंकुरित तो आहार में चने को विशेष महत्व दिया गया है आपको जानकर हैरानी होगी छोटा सा दिखने वाला चना पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी भगा देता है इस लेक में हमारे साथ जानिए शरीर की विभिन्न परेशानियों के चने को खाकर किस तरह से दूर की जा सकती है तो फ्रेंड्स चने के विभिन्न प्रकार और जो भी विभिन्न फ़ायदे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है चना तो फ्रेंड्स ये एक औसध्य पूर्ण इसमें मतलब ऐसे समझ लो कि चना कई औसधियों और कई गुणों से भरपूर है तो इससे अपन को काफ़ी फायदे होते हैं तो फ्रेंड्स अपन जान लेते हैं पहले चने के क्या प्रकार कितने प्रकार होते हैं तो फ्रेंड्स चने के दो प्रकार होते हैं देसी चना और एक काबुली चना तो फ्रेंड्स देसी चना होता है जो आकार के अंदर बहुत छोटा होता है और जो गहरा थोड़ा बुरा होता है और जो काबुली चना

चने का जो फ़ायदा होता है जो पेट संबंधित ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी बीमारियों को मतलब दूर कर देता है और फ्रेंड्स अपन इसके बारे में और भी जानेंगे कि पाचन तंत्र तो फ्रेंड्स जो अपन चना खाते हैं तो उससे अपना पाचन तंत्र भी काफ़ी अच्छा हो जाता है ठीक हो जाता है ये पेट संबंधित बीमारियों को भी फ्रेंड्स ठीक कर देता है जैसे कब्ज काफ़ी चीज़ें हैं तो फ्रेंड्स ये मतलब अपने जो स्वास्थ्य उसको काफ़ी मतलब पाचन तंत्र को ये बढ़ावा देता है तो फ्रेंड्स और इससे एक चीज़ मैंने आपको बताया कि इसके इससे मतलब कैंसर जैसी बीमारी से भी ये लड़ने की हिम्मत रखता है तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया चना आपके लिए कितना फायदेमंद है और मैं और एक चीज बताने वाला हूं आपको कि जैसे अपन जैसे चना खाते हैं तो अपन को कौन सा चना खाना चाहिए कितनी मात्रा में खाना चाहिए तो फ्रेंड्स अपन जैसे ओनली तीन से चार मूटी डेली की खा सकते हैं मॉर्निंग में खा सकते हैं रात को उसको भिगो दे अपन उबाल के भी इसको ले सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से इसको खाना होता है और इसके फायदे मैंने आपको बताया है कि काफी मतलब काफी बीमारियों को मतलब इसको काफी बीमारियों का खात्मा कर देता है और फ्रेंड्स ये चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि हृदय और स्वास्थ्य संबंधित मतलब और भी काफ़ी चीज़ों को मतलब ये ख़त्म करता है तो फ्रेंड्स जो हृदय में जो बीमारियाँ होती है तो उनको भी ये मतलब काफ़ी ख़त्म कर देता है तो फ्रेंड्स ये इसके अंदर क्या है कि पोटेशियम फाइबर और विटामिन सी जैसी काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी तत्व मतलब इसके अंदर समृद्ध है तो फ्रेंड्स ये अपने लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है चना तो फ्रेंड्स ये आंखों के लिए भी अच्छा होता है और जो अपनी हड्डी हड्डी स्वास्थ्य के लिए फ्रेंड्स ये अच्छा होता है और फ्रेंड्स में आपको बता दूँ कि ये मतलब चना होता है जो इससे मतलब अपन जो प्रोटीन है वो इससे अच्छे तरह से मिल पाता है ये प्रोटीन का अच्छा खासा स्त्रोत है इसमें करीबन एक कप के अंदर चौदह पंद्रह ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है फ्रेंड्स अपन को तो फ्रेंड्स से अपनी जो कोशिका है उनको भी काफ़ी मरबत करने में मतलब सहायक है और ये बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है तो फ्रेंड्स और जो मतलब मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से आपके शरीर को मतलब बढ़ावा देता है किस तरह से पाचन क्रिया जो उसको सही करता है तो फ्रेंड्स चना इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फायदेमंद है तो फ्रेंड्स चने के काफी फायदे हैं आप मॉर्निंग में इसको ले सकते हो आप कभी भी इसको ऐसे खा सकते हो अंकुरित करके भी खा सकते हो फ्रेंड्स इसको तो फ्रेंड्स चना आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है तो चने का उपयोग मतलब डेली कीजिए डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो फ्रेंड्स आप इसका उपयोग तो फ्रेंड्स चना आपके लिए बहुत बेस्ट है अगर ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो और इसके और फायदे जानना चाहते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम है और किसी भी तरह के मतलब फायदे जानना चाहते हो फायदे नुकसान तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में धन्यवाद